हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना लेसन नंबर 2 चल रहा था। द नेम ऑफ चैप्टर इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। जैसे ही एक नए साझेदार का प्रवेश होगा, एडमिशन होगा, फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म हो जाएगा, एक नई फर्म अस्तित्व के अंदर आ जाएगी और जो पुराना एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा। नए साझेदार के प्रवेश के ऊपर किसी भी फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ समायोजन पास करने पड़ते हैं और उस एडजस्टमेंट्स के अंदर जो पहला एडजस्टमेंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। यानी कि किसी भी नए साझेदार के प्रवेश पर नया अनुपात कैसे कैलकुलेट करते हैं और सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको अपन एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करें। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि ए और बी 3:1 के अंदर पार्टनर हैं और सी को 1/4 के लिए एडमिशन दिया। 1/4 के लिए एडमिशन दिया यानी कि यदि फर्म के अंदर 100,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो सी को 4×2=25,000 रुपए प्रॉफिट के मिलेंगे। कमिंग ईयर्स के अंदर भी जब जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का 25% यानी कि 1/4 सी को दिया जाएगा और यदि लॉस होता है तो सी 1/4 का लॉस भी बेयर करेगा। इसका बेसिक अपन समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो ये 100,000 रुपए का प्रॉफिट था और पहले ए और बी के अंदर डिवाइड हो रहा था, केवल दो ही पार्टनर पहले थे, इनका जो रेशियो था 3:1 था, तो ए और बी के अंदर ये कैसे बढ़ रहा था? 100,000 रुपए का प्रॉफिट 3:1 के अंदर ए और बी के बीच में 4×8 2×4=20 यानी कि 75,000 रुपए कौन ले रहा था? ए ले रहा था और 25 + 25 = 25,000 रुपए बी ले रहा था। अब क्या हुआ कि सी को एडमिशन दे दिया 1/4 के लिए, जो भी प्रॉफिट होगा उसके अंदर से 1/4 लेगा, 1/4 यानी कि ये 25,000 रुपए का प्रॉफिट फर्म से लेगा, फर्म यानी ए और बी। इसको ये 25,000 रुपए कौन देंगे? इसको ये 25,000 रुपए ए और बी देंगे। ए और बी अपने लाभ के हिस्से में से सैक्रिफाइस करेंगे, बलिदान करेंगे। कोई पड़ोसी तो आएगा नहीं सी को शेयर देने के लिए। अब अपने पास में जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए और बी 3:1 के अंदर पार्टनर है और सी को 1/4 के लिए एडमिशन दिया जाता है, ये 1/4 हिस्सा सी लेगा। अब किससे लेगा? बट नेचुरल ए और बी से ही लेगा। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट क्या है कि न्यू रेशो कैलकुलेट करो और सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करो। इंफॉर्मेशन केवल अपने पास ये है। अब हमें ये तो मालूम है कि 1/4 हिस्सा ये ए और बी से लेगा, यानी कि जैसे 100,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 25,000 रुपए ये ए और बी से लेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये क्लियर नहीं है कि ए से तो कितना लेगा और बी से कितना लेगा। 25,000 रुपए तो लेगा, 1/4 तो लेगा, ये तो क्लियर है, लेकिन ए से कितना लेगा और बी से कितना लेगा ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई। यानी कि इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी
सैक्रिफाइस रेशो त्याग का अनुपात इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं है। तो ध्यान से सुनेंगे, यदि क्वेश्चन के अंदर ये क्लियर नहीं है कि नया पार्टनर अपने हिस्से का कितना कितना बचे हुए पार्टनर से, यानी कि जो पहले से जो पार्टनर है उनसे कितना कितना लेगा, ये यदि क्लियर नहीं है तो यह मानकर चला जाता है कि ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है, पुराना अनुपात है 3:1, ये जो सैक्रिफाइस करेंगे ये अपने ओल्ड रेशियो के अंदर ही सैक्रिफाइस करेंगे। हिंदी के अंदर यदि मैं बोलूं तो सूचना के अभाव में, सूचना का अभाव क्या, यदि प्रश्न के अंदर त्याग का अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही उनके त्याग का अनुपात माना जाएगा। ओल्ड रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी ट्रीटेड एज देयर सैक्रिफाइस रेशियो। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे ये समझने की अपन कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, सी कितने के लिए आया, 1/4 हिस्से के लिए आया। अब ये 1/4 हिस्सा किससे लेगा, ये 1/4 हिस्सा ए से लेगा और बी से लेगा। कितना कितना लेगा, ओल्ड रेशियो विल बी ट्रीटेड एज देयर सैक्रिफाइस रेशियो। 1/4 का यानी गुणा, का यानी गुणा 1/4 का 3/4, ए का पुराना हिस्सा कितना है 3/4, तो 1/4 का 3/4 तो किससे लेगा, ए से लेगा। और 1/4 जो सी का हिस्सा है इसका, बी का हिस्सा कितना था 1/4, तो 1/4 का 1/4 ये किससे लेगा, बी से लेगा। अब ए ने सैक्रिफाइस कितना किया, 1 को 3 से गुना करूंगा 3, और 4 को 4 से गुना करूंगा तो 3/16, 3/16 ये किससे लेगा, ए से लेगा। और बी से कितना लेगा, 1 × 1 और 4 × 16, 1/16 जो हिस्सा है ये बी से लेगा। यानी कि ये 1/4 हिस्सा इसने ए और बी से लिया, 3/16 और 1/16। तो यदि मैं इन दोनों फिगर्स की वैल्यू यदि कैलकुलेट करूं तो इट शुड बी इक्वल टू 1/4, क्योंकि ये हिस्सा सी का था और इसने ए और बी से 1/4 लिया। 1/4 में से 3/16 तो ए से लिया और 1/16 बी से लिया, तो बट नेचुरल इन दोनों का टोटल 1/4 होगा। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, 3/16 और 1/16 को यदि मैं ऐड करूं तो एलसीएम 16 आएगा, 16 × 1 = 3 प्लस 16 × 1 = 1, 4/16, 4 × 1 = 4, 4 = ये 1/4। यानी कि ये जो अपना कैलकुलेशन है इसको अपन ने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, कंफर्म कर लिया। न्यू रेशियो कैलकुलेट करते समय मेरा पर्सनल सजेशन है कि नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करने से पहले आप पहले इसको कंफर्म करके देख लो, क्रॉस टैली करके देख लो, यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वो पकड़ में आ जाएगी। अब न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला दे रखा है और वो फॉर्मूला है न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस पर्सनल सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस
पर्सनल सैक्रिफाइस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, नया अनुपात इज इक्वल टू पुराना अनुपात माइनस त्याग, त्याग का अनुपात नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइस रेशो। ए का पर्सनल सैक्रिफाइस कितना है 3/16, यानी कि, और बी का पर्सनल सैक्रिफाइस कैसे है, कितना है 1/16। ये कैसे कैलकुलेट हुआ ये अपन ने देख लिया, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। शॉर्ट के अंदर आप इसको लिख सकते हो न्यू रेशो यानी कि एन इज इक्वल टू ओल्ड रेशो यानी ओल्ड और माइनस सैक्रिफाइस, एस स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस। यदि इसको अपनी भाषा के अंदर समझने की कोशिश करें तो नए अनुपात का मतलब क्या है, ओल्ड रेशो यानी कि ए को पहले कितना मिल रहा था और उसमें से इसने कितना दे दिया, कितना सैक्रिफाइस कर दिया, तो वो जो रेशो आएगा वो नया न्यू रेशो आएगा। जैसे मान लो कि ए को पहले 10 रुपए मिल रहे थे और 10 रुपए के अंदर से उसने सी को नए पार्टनर को 2 रुपए दे दिए, तो ये 8 रुपए जो इसके एडमिशन के बाद में मिलेंगे ये तो न्यू रेशो हो गया। ये तो क्या हो गया, न्यू रेशो हो गया, ये तो हो गया न्यू रेशो एक तरह से। और ये जो 2 रुपए का इसने सैक्रिफाइस कर दिया अपने लाभ के हिस्से में से, ये जो इसने 2 रुपए दे दिए ये इसका सैक्रिफाइस हो गया। अब अपन इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, न्यू रेशो, न्यू रेशो किसका होगा, ए बी और सी का। अब ये फॉर्मूले के अंदर मैं इसको अप्लाई करता हूं, ए का न्यू रेशो क्या होगा, ओल्ड रेशो, तो ओल्ड रेशो ए का कितना था 3/4 माइनस पर्सनल सैक्रिफाइस कितना है इसका 3/16, ये 3/16 इसने अपने लाभ के हिस्से में से दे दिया, ये आ गया ए का न्यू रेशो। और बी का न्यू रेशो अपन कैलकुलेट करेंगे तो बी को ओल्ड रेशो, बी को पहले कितना मिल रहा था 1/4 मिल रहा था और इसमें से इसने कितना दे दिया 1/16, ये पर्सनल सैक्रिफाइस इसने कर दिया। अब सी, सी का हिस्सा अपन 2 तरह से लिख सकते हैं, पहला तो ये कि अपन को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1/4, तो डायरेक्ट अपन 1/4 यदि रख लेते हैं तो अपने समय की बचत हो जाएगी, एग्जाम के अंदर लिमिटेड टाइम मिलता है इसलिए सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/4, क्लियर इंफॉर्मेशन इज गिवन। यदि आप इसको नहीं लिखते हो तो 3/16 इसने ए से लिया और 1/16 बी से लिया, तो इन दोनों को भी यदि अपन जोड़ते हैं एड करते हैं तो 1/4 हो रहा है। मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं सी का न्यू रेशो क्या है, 1/4 यानी कि 1/4, बीच के अंदर रेशो के साइन कर देंगे। अब इन सब का एलसीएम एक साथ ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, लघुत्तम जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं, लघुत्तम की संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर इस 4 का 16 का 4 का 16 का 4 का यानी सभी संख्याओं का भाग चला जाए। 16 लघुत्तम आया, 16 के अंदर 4 का पड़ा, 4 चौक 16, 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 किया 12, 16 1 कम 16, 1 को 3 से गुणा किया तो 1 किया 3, ये ए का आ गया। और बी का 4 चौक 16, 4 एकम 4 माइनस 16 एकम 16 1 एकम 1, 4 चौक 16 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो इज इक्वल टू 12 में से 3 लेस किए तो 9, 4 माइनस 1 3 और 4, न्यू रेशो क्या आ गया 9:3:4, एलसीएम कितना था 16, इसके नीचे अपन रख सकते हैं 16, 9 और 3 12 और 4 16, 16/16 यानी कि 1, पूरा हिस्सा कितना होता है 1। और यदि अपन समझे तो 9/16 फ्यूचर के अंदर ए को मिलेगा इसके एडमिशन के बाद में, बी को फ्यूचर में कितना मिलेगा 3/16 और सी को 4/16, 4/16 मीन्स 1/4 आंसर। तो आंसर क्या होगा 9:3:4, आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, नया अनुपात ज्ञात करो, नया अनुपात अपन ने कैलकुलेट कर लिया
अब ये कह रहा है कि सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करो, यानी कि ए और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, किस रेशो के अंदर सैक्रिफाइस किया। तो वैसे तो मैंने आपको रूल क्या बताया कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन ओल्ड रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी ट्रीटेड एज देयर सैक्रिफाइस रेशो। कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, 3:1 अपन ने सैक्रिफाइस रेशो मान के चले हैं क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है। और यदि आप कैलकुलेट करके भी इसको यदि करना चाहे तो आप कर सकते हैं। पर्सनल सैक्रिफाइस ए का कितना था, 3/16, और ए का था 3/16 और बी का कितना था 1/16। इसके बीच में अनुपात का साइन अपन लगा देंगे, निशान लगा देंगे, और एलसीएम कितना आ गया 16, 16 एकम 16, 1 * 3 = 3, 16 एकम 16, तो आंसर वही आ रहा है 3:1 इसका ये सैक्रिफाइस रेशो होगा। इस तरह से कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो पुराने अनुपात को इत्याग का अनुपात मानते हुए पर्सनल सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेंगे और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो, और अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने के अंदर एक अलग तरह का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। ए और बी 3:2 के अंदर पार्टनर हैं, सी को एडमिशन दिया 1/5 के लिए, तो ये सी जो 1/5 हिस्सा किससे लेगा, ए और बी से लेगा। कितना कितना लेगा, 1/5 में से कितना ए से लेगा और कितना बी से लेगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर इंफॉर्मेशन दी है कि सी को 1/5 हिस्से के लिए एडमिशन दिया, जो कि वो ए और बी से 1:2 में प्राप्त करता है। क्लियर इंफॉर्मेशन, यानी कि अपन को सैक्रिफाइस रेशियो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अपन को कैलकुलेट क्या करना है, न्यू रेशो कैलकुलेट करना है और सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइस रेशो तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, सैक्रिफाइस रेशो कितना है 1:2, यानी कि 1/5 का 1/3 तो ये किससे लेगा, ए से। 1/5 का यानी गुणा 1/5 का 1/3 तो किससे लेगा, ए से, और 1/5 का बी से कितना लेगा, ये जो सैक्रिफाइस रेशियो है ये किसका है, ए और बी से लेगा। तो बी से कितना लेगा, 1/5 का 2/3 लेगा, ये बी से लेगा। तो ए से कितना लिया, 1/15 ए से लिया, और बी से कितना लिया, 2/15 बी से लिया। अब जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यदि इन दोनों फिगर को मैं ऐड करता हूं तो इसका टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, 1/5 के। कंफर्म करके देख लो, 1/15 प्लस 2/15, एलसीएम 15 1 + 1 प्लस 15 1 + 1 2 + 2, 3/15 3 1 + 3 5 + यानी कि 1/5 हिस्से के लिए सी आया और अपना कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लागू कर देंगे न्यू रेशो का। तो न्यू रेशो का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस पर्सनल सैक्रिफाइस ऑफ ए एंड बी। ए का न्यू रेशो कैलकुलेट करूंगा तो ए का ओल्ड रेशो पुराना अनुपात क्या था, ए को पहले मिल रहा था 3/5 और 3/5 में से इसने सी को कितना दे दिया, 1/5 का 1/3, ये 1/15 इसने अपने हिस्से में से सी को दे दिया। अब बी का यदि कैलकुलेट करें तो बी को पहले कितना मिल रहा था, 2/5, 2/5 पहले मिल रहा था, और इसमें से इसका सैक्रिफाइस लेस कर देंगे तो इसका सैक्रिफाइस कितना था, 2/15, 2/15 इसने अपने हिस्से में से दे दिया।
सॉरी, और सी को कितने के लिए एडमिशन दिया, सी को 1/5 के लिए एडमिशन दिया, तो सी का मैं यहां रख दूंगा ये सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5, या फिर अपन इस एक ब्रैकेट के अंदर 1/15 और 2/15 को जोड़ के भी इस ब्रैकेट के अंदर अपन दिखा सकते हैं। अब करना क्या है, अब लेना है एलसीएम। यदि मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 15 एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे कट जाएगी। 5 3 3 3 9 -15 1 1 1 1 5 3 3 2 6 -15 1 2 2 5 3 3 1 3 9 में से एक लेस किया 9 -1 8 6 -2 4 3 8 4 12 3 15 यानी कि 8:4:3 8:4:3 इज द आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि अपन को इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि 1/5 हिस्सा ये लेगा, और ये भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 1/5 के अंदर से कितना कितना लेगा, मींस सैक्रिफाइस रेशियो इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ये इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से हो सकती है, हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर ये इंफॉर्मेशन होगी कि 1/5 जो हिस्सा है वो दोनों से बराबर बराबर लेगा, तो इक्वल रेशियो के अंदर अपन सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये भी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि साहब ए से तो 40% लेगा, 40% लेगा, और बी से 60% लेगा। तो अपन कैसे करते हैं, 1/5 का 40% यानी 40/100 जीरो से जीरो कट गया, 2 2 2 2 1 2 5 यानी कि 2/25। इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और 40% और 60% को ऐसे भी कर सकते हैं, 40% ए से लिया और 60% बी से लिया, तो 20 × 40 और 20 × 60 यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता, 2:3 होता। तो 2:3, तो फिर कैसे लेता, सी को एडमिशन दिया था 1/5 के लिए, तो 1/5 का 2/5 तो किससे लेता, ए से लेता, और 1/5 का 3/5 किससे लेता, बी से लेता। तो ए का पर्सनल सैक्रिफाइस कितना होता, 2/25, और इसका कितना होता, 3/25। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर अपन ने दो चीजें देखी, व्हेन द सैक्रिफाइस रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हेन द सैक्रिफाइस रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। When the sacrifice ratio is not given in the question, the old ratio of the old partners will be treated as their sacrifice ratio. Otherwise, we will follow the instruction, we will follow the information given in the question. अपने इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। किसी भी स्टूडेंट्स के यदि समझ में नहीं आया हो, कोई भी पॉइंट यदि क्लियर नहीं हो, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अपने स्कूल का जो ग्रुप है आप उसके अंदर मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सजेशंस एंड डाउट्स एंड योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को इंटरेस्ट लेके देखा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।